पर आ गए इधर पूरे लेडीज भी परेशानी में है इधर सारे। हमने इधर बारिश में लेडीज को बहुत पहुंची थी। हमने जो चेक किया है मैं समझता हूँ 40 नहीं, यहाँ पे 400 भी एप्लीकेशंस देंगे तो कम होगा। मुझे मिले सूत्रों के अनुसार पिछले कई सालों से सैकड़ों एप्लीकेशंस दिए गए हैं मगर इसे करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब हाय दिस इज अली, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल से ब्लॉग में। इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग पिछले एक हफ्ते से जो है आकोट के अतिक्रमण पे कवरेज कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि इफ्तिखार खान और गुड्डू भाई ने इस एरिया के बारे में बताया था कि इस एरिया में बहुत ज्यादा अतिक्रमण है और यही वो स्कूल है जो आप पीछे देख पा रहे हैं, उर्दू हाई स्कूल से लेकर इकरा स्कूल तक का अतिक्रमण और भी परमानेंट अतिक्रमण के बारे में हो रहा था। हमारी मैं और मेरी टीम यहाँ पर पहुंची है पूरा रियलिटी चेक करने के लिए कि किस तरीके का अतिक्रमण है, क्योंकि मेरे पास जो ऑन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बताऊं तो 64 फीट का ये रोड है जो अब सिर्फ जो है 10 फीट का हो गया है। तो इसको हम चेक करेंगे, पता करेंगे क्या है मामला। उसी के साथ साथ मैं आपको आज अतिक्रमण का एक अपडेट देना चाहता हूँ। आज इंटरनल मीटिंग्स होने की वजह से आज अतिक्रमण नहीं हो पाएगा आकोट में, मगर कल से फिर से जल थल के साथ एक बार फिर से आकोट नगर पालिका अतिक्रमण पथक अपना जोर फिर से यहाँ पर दिखाने वाली है। इसी के साथ साथ आप मेरे वीडियो में देख पाएंगे कि जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण की जो है बातें चली थी और अतिक्रमण जहाँ पर हुआ था और जिस पर जेसीबी चली थी उन प्रॉपर्टीज और उन जो भी उनका मलबा था उसे अब नगर पालिका ने जब्त करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरे वीडियो के जरिए जो लोग भी मेरा वीडियो देख पा रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूंगा आप अपना अतिक्रमण अपने हाथों से खुद से निकाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना नगरपालिका जब अपना जेसीबी चलाएगी तो उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सब जब्त कर दी जाएगी। तो हम लोग चलेंगे और चेक करेंगे इस एरिया को और कितना अतिक्रमण है यहां पर वो भी समझने की कोशिश करेंगे और इसके रोड की भी हालत को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहुंचे इस एरिया में और पता करेंगे यहाँ की रियलिटी चेक कितना यहाँ पे अतिक्रमण है और किस तरीके से लोगों ने इसको जो है अतिक्रमण माफियाओं को मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे करके रखा है। हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर इकरा स्कूल है, बॉयज उर्दू हाई स्कूल है, मुजफ्फर स्कूल है, ये बड़ी तीन स्कूल है। इसके अलावा छोटे मोटे कॉन्वेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा ट्यूशन क्लासेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं और शाम के वक्त में यहाँ भीड़ बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है। आज भीड़ भाड़ थोड़ा कम नजर आएगा क्योंकि अमरावती का इस्तेमा चल रहा है तो हो सकता है 60% 70% लोग यहाँ से इस्तेमा के लिए गए, दुआ के लिए गए, मगर बाकी लोग यहाँ पर हैं। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि ये शुरुआती मतलब ये सुबह का वक्त है, शाम के वक्त में भीड़ बड़े पैमाने पर होती है। हम लोग चलेंगे आगे इस एरिया की रियलिटी को चेक करेंगे और पता करेंगे कि किस तरीके का अतिक्रमण है। देखिए अतिक्रमण के लिए तो हम लोग ने अभी आधा सफर तय किया और आप देख सकते हैं किस तरीके का अतिक्रमण इस रोड पर और लोगों ने अपने मन में आया है वहां पे दुकानें लगा रखी है, उनके मन में आ रहा है वो इतना आगे वो आ जा रहे हैं, उनको पब्लिक से उनको पब्लिक की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। आप सामने की तरफ भी देख पाएंगे और ये देखिए ये पूरा इलाका अब देखोगे बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है। आकोट की 30% जनता यहाँ पर रहती है, सबसे ज्यादा
आप बोल सकते हो पॉपुलेटेड ये जगह, इसको जनसंख्या के हिसाब से देखिए, आकोट के हिसाब से तो काफी ज्यादा यहाँ पर लोग, और एक खास कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, मगर अतिक्रमण माफियाओं ने, अतिक्रमण जो बोल सकते हो कि लोगों ने इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर करके रखा है, उनका कोई मतलब मेजरमेंट मुझे नजर नहीं आता है यहाँ पर, किसी तरीके का कोई जो है सिस्टम मुझे नजर नहीं आता है, और नगर पालिका का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अनदेखी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मैंने पूरा रोड यहाँ पर ऑलरेडी चेक किया है, जिस तरीके से लोगों ने पिछले 8 दिनों में यहाँ पर से 40 निवेदन के 40 एप्लीकेशंस की थी कि इस रोड पर जो है आप अतिक्रमण लाइए, तो उसकी रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग, हम और हमारी यहाँ पर टीम यहाँ पर पहुंची थी। हमने जो चेक किया है, मैं समझता हूँ 40 नहीं, यहाँ पे 400 भी एप्लीकेशंस देंगे तो कम होगा। मुझे मिले सूत्रों के अनुसार पिछले कई सालों से सैकड़ों एप्लीकेशंस दिए गए हैं, मगर इस एरिया में जो है अतिक्रमण नहीं आता, इसी वजह से यहाँ के लोग अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, इसी वजह से आकोट के कई इलाकों के अंदर अतिक्रमण आया है तो दूसरे इलाकों में लोगों ने ऑटोमेटिकली अपना अतिक्रमण खुद से ही निकाल लिया है। मगर अगर आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे और इस तरफ के एरियाज को भी देख पाएंगे पूरा, तो अभी तक किसी ने अपने नेट को भी हाथ में लगाया, यानी कि उनको यह लगता है कि जो फिल्मों में डालो जाता है क्या मियां भाई की डेयरिंग, तो ये फिल्मों में ही सिर्फ अच्छी लगती है। अगर आप कायदे में बैठोगे तो आपकी चीज आपकी नहीं रहेगी, वो सरकार की हो जाएगी। आप मेरे वीडियो में देख पाएंगे जिस तरीके से इतवारा बाजार के अंदर जो अतिक्रमण आया था, उसके बाद अतिक्रमण हटाया गया था, अतिक्रमण पकड़ने उसके बाद जो उनकी संपत्ति थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उसे जब्त कर लिया, यहां तक कि मलबा तक उन्होंने अपने साथ ले गए हैं। तो मैं मेरे वीडियो के जरिए आप सबसे गुजारिश करूंगा, जो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका 1 इंच भी अतिक्रमण में है उसे जल्द से जल्द निकाल लीजिए, अन्यथा ना चाहते हुए भी सरकार और अतिक्रमण पथक आपके प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी और आपके ऊपर टैक्स लगाएगी वो अलग से। अगर कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने दर्द को यहाँ पर बयां करेंगे और बताएंगे उनको किस तरीके की यहाँ पर परेशानी हो रही है। चाचा क्या परेशानी हो रही है? अरे इधर मट्टी, इधर चलने की अतिक्रमण, इधर जल्दी लाओ तुम, इधर चलने की परेशानी है, सब सब रोड पर आ गए इधर पूरे, लेडीज भी परेशानी में है इधर सारे। हमने इधर अच्छा। बारिश में लेडीज को बहुत परेशानी जाती है, टोंगले इतने गड्ढे पड़े हैं इसमें रोड में, और पानी के डोबले है, गिर रही है लेडीज बारिश में। कैसा भी लाओ इधर, कहना कैसा भी करके अतिक्रमण लाओ इधर। चलो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं और लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं उनके वो दर्द, उनके आम जबान में आप बोल सकते हो बयान कर रहे हैं कि किस तरीके का अतिक्रमण किया। और ये सिर्फ एक दो आवाजें नहीं है, ये सैकड़ों की आवाज है जो यहाँ पर बयां हो रही है। कई सारे लोग मेरे साथ जो मौजूद है जिनको ये भी पता नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे देते हैं, मगर वो मुझे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप इस तरीके की ये आवाज, जो हमारी जो बात है, ये सरकार तक पहुंचाइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि कम लोगों के बीच में डर या भय तो रहे, कम से कम वो ये सोच तो सके कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं और इससे हम आने वाली हमारी नस्लों के लिए भी परेशानियां पैदा करें और विकास के मार्ग में या विकास के रास्ते में हम अड़थला बने हुए हैं। तो मिलते हैं कोई नई जगह पर, कोई खास जगह पर, कुछ नया, कुछ हटके, कुछ अलग एक्सप्लोर करने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।